हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ एट क्लास, आज हम आपकी सोशल साइंस हिस्ट्री लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए या क्वेश्चन से पहले जो इंट्रोडक्शन है वो कह लीजिए। आपसे पूछा गया है, इमेजिन यू आर अ हिस्टोरियन वांटिंग टू फाइंड, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? I will take help from administrative records related to agriculture in tribal areas. सबसे पहले तो मैं tribal areas में agriculture से related जितना भी administrative records है उसकी help लूँगा। Old records, notices, researchers documents can also be useful in this regard. इसके अतिरिक्त पुराना रिकॉर्ड, नोटिस या रिसर्चर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स, यू विल स्टडी योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। उसमें प्रॉब्लम क्या थी? आंसर, जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री ऑन द रिलीजियस बेसिस, बट सिंस बिगनिंग इंडिया हैड बीन अ सेक्युलर कंट्री। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भागों में बांट तो दिया, लेकिन भारत तो आरंभ से ही धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। Along with Hinduism, Islam and Christian, many other religions like Jain, Bodh, Parsi, etc. have developed here. हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियन के साथ साथ बहुत से अन्य धर्म और विश्वास जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ये सभी भी तो भारत में डेवलप हुए हैं। Why did the British preserve the official record? This is the next question. British rulers believed that every instruction, plan, policy, agreement, decision should be clearly written up. British rulers ka ye manna tha ki sabhi instruction, plan, policy, agreement, decision saaf saaf likha jana chahiye. Kyun? To study the things better and for future use, ताकि चीज़ों को अच्छे से study कर सकें और future में भी इसका उपयोग हो सके। How will the information that a police report or a newspaper offer may be different? Police report में जो सूचना दी गई थी वो और newspaper में जो छपा था वो, इनमें क्या अंतर हो सकता था? A police report may give a version which was suited to the ruler of that time, whereas a newspaper might depend upon the public opinions. अब जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें तो वही लिखा जाएगा जो उस वक्त वहाँ के शासक चाहेंगे, जबकि न्यूज़पेपर जो है वो समाचारों पर और पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करता है। ये हमारा फर्स्ट लेसन था, आसान सा है, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप इसको लर्न कर लेंगे। थैंक यू।